भरा हुआ है आपके अंदर। जीवित कोई चीज नहीं भगवान में, सब अनंत मात्रा का। तो प्रेम भी अनंत मात्रा का आपके अंदर है, है तो तू मांग ले दे दे। महाराज ये सब खट मत लगाइए, फिर यदि गर्दन पकड़ के उसी को झुको फिर क्या हमको आनंद मिलेगा? तो हम डूबे जाएंगे, बाहर आएंगे ही नहीं। एक बार झुको दीजिए। गंगा नहाने जाते हैं लोग, यमुना नहाने जाते हैं लोग सर्दी के दिनों में पर्व पर, तो माए छोटे बच्चों को भी ले जाती है साथ, वो ठंड में चारे पानी में कैसे जाए अपने हैं, लेकिन जबरदस्ती मां डुबो देती है, बेटा पाप खुल जाएगा। बाबाओं के पास माए जाती है बच्चों को लेके, अब बेचारा बच्चा क्या समझे बाबा जी क्या है, भगवान क्या है, उसके सिर को पकड़ के बाबा जी के पैर में धर तुरंत का पैदा हुआ बच्चा माँ का पीना नहीं जानता, माँ थोड़ा सा दूध उसके मुंह में चुरा देती। तो महाराज ऐसे आप कुछ कर दीजिए, हमारी गर्दन पकड़ के प्रेम शुद्ध में डुबो दीजिए, फिर देखिए हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। Thank you.
देखो महाराज हमें क्या क्या न देना ये बताए दे रहे हैं। भगवान बेवकूफ बनाते हैं सबसे पहले दर्शन देने पर भी इतने बड़े चार बुद्धि से सामने खड़े हैं भक्त के और भक्त को बेवकूफ बना रहे हैं। जी के सामने राम खड़े और कहते हैं प्रसन्न हो जाए बहुत 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 खुशू में अति प्रसन्न कोई होगा तो अपनी जान दे देगा फिर क्या जाएगा। अब महाराजा बहुत प्रसन्न है कि बिल्कुल दीजिए हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ सुन क्या तुम कर रहे हरिमानी अपार दीदी अमोक्ष सचल सुख खान हरिमानी सिद्धि ले ले हरिमान अथवा गरिमा प्राकांक्षा वगैरह सिद्धियां होती है वो ले ले सारे संसार तेरे मुक्ति में हो जाएंगे। जब चाहे गायब हो जा जब चाहे हल्का हो जा जब चाहे भारी हो जा जब चाहे किसी के अंदर की बात जान ले ये बड़ी बड़ी बातें सब तेरे अंदर आ जाएगी सारा संसार तेरे पूजा करेगा। अच्छा इतना चाहे अगर तू मोक्ष मिले उसमें तो ब्रह्मानंद मिलता है सब सुखों की खान है। देखो चार चीज दे रहे भगवान धर्म अर्थ काम तीन माया का सामान और मोक्ष माया से परे मुक्ति ये चार चीज देते हैं बेवकूफ बनाने के लिए। लेकिन का नहीं बना वो कहता है महाराज ये तो आप बड़े बड़े लायक बेटे को दीजिएगा सिद्धि वो हमको तो महाराज प्रेम दे दीजिए बस अभिराला भक्ति शुद्ध लव श्रुति पुराण जे ही गावो जे ही को जत जोगी सुनि प्रभु प्रसाद को पाओ तो देव दया कर राम प्रेम मांगना भक्ति मांगना। इसलिए यहाँ भी लेखक कह रहा है धर्म अर्थ काम को विचार पदार्थ को बिल्कुल मत देना भगवत भक्ति चाहे ना तो लेकिन ये चार मत देना नहीं देना है कुछ न देना और देना तो भक्ति देना इसलिए धर्म अर्थ काम को नहीं देना। Yeah.
अधिक जबड़े हैं। सारी शक्ति का सार जो अंतःकरण की शुद्धि पर गुरु के द्वारा मिलेगा वो दिव्य प्रेम है। वो दिव्य प्रेम मांगता है सेवा, प्रेम एक सेवा है, लेकिन दिव्य प्रेम के बिना सेवा नहीं होगी, इसलिए प्रेम मांगता है। फिर कहता है महाराज आपने शास्त्रों में कहा है कि अगर कोई मुझे मेरा मन मेरे श्याम सुंदर है ऐसा मान पर बड़े बड़े कुत्ते भजन कीर्तन कुत्ते खाली खुद को मेरा मान भगवान कहते जीव मुझे अपना मान ले बस मैं उसको अपना लूंगा और सारा काम कर दूंगा उसके विमुक्त करके दोष पंचक लेप पंच कोण का समाप्त कर दूंगा और उसको परमानंद दिव्य प्रेम सब दे दूंगा जो मेरा मान ले जान ले ले मान ले। जैसे आप लोग अपने आप को मानते हैं मैं हूं मैं यहां बैठा हूं वही मैं रात में सपना देख रहा था वही मैं गहरी नींद में सोया था वही मैं फिर जागा था फिर मैं वही इलाहाबाद गया था फिर मैं वही मंदिर आया हूँ हर समय इसी प्रकार को वही मेरा है वही मेरा है वही मेरा है हरे गुरु ही मेरा है हरे गुरु ही मेरा है। बस इतना करना इसके बाद सारा काम गुरु को भगवान वाहे गुरु। Oh, yeah.